नमस्कार, मैं पुनीत मित्तल, दल नेता यहोवा एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो चलते अपने पहले नाटक की तरफ। बुनियाद 1200 रुपए होंगे वसूल, चलो कुछ लेने चले। 1200 रुपए होंगे वसूल, चलो कुछ लेने चले। 1200 रुपए होंगे वसूल, चलो कुछ लेने चले। लज्जो, देखो हम कौन से कुछ लेके आए हैं, आओ। अरे क्या हो गया? अरे देखो, हमने साड़ी लेके आए हैं। क्या साड़ी? साड़ी? हाँ, ये साड़ी अपने पास ही रखो। सरकार ने साड़ी के लिए पैसे दिए हैं या बच्चों की ड्रेस, जूता, मोजा या टोपी के लिए पैसे दिए हैं? ओहो, तुम इतना परेशान रहते हो, पकड़ो पकड़ो, बताएं पकड़ो और जाओ हमारे लिए खाना बनाओ जाके। 5 बजे खाना बनना, बहुत तेज भूख लगी। और हम जो सरकार ने 1200 रुपए घर बनाने के लिए दिए है ना, उसके लिए हम जा रहे न्यू कोट। अरे चाचा, तुम भी कैसी बात कर रहे हो, 1200 घर बनाने के लिए थोड़ा ना दिए। ठीक है चाचा, अरे घर बनाने के लिए तो अलग दिया, ये 1200 तो बच्चे की ड्रेस। अरे गोकरण भैया, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हैं गुरुजी, अपनी बताइए। ठीक है, हमें तो ठीक नहीं लग रहे हैं आप। ये बताइए, रामू को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं आप? कहा है ना गुरुजी, घर में बहुत काम रहा है तो हम यहाँ व्यस्त नहीं था। अरे तो काम आप करिए ना, बच्चों को पढ़ने भेजिए। व्यस्त रहते हैं, काम रहता है, ये सब बहाने मत बनाइए हमसे, समझ में आया आपको? बताइए स्कूल कल से भेजेंगे नहीं भेजेंगे, क्यों नहीं भेज? जी गुरुजी, भेजेंगे भेजेंगे, पक्का भेजेंगे। भेजेंगे जी गुरुजी। तो क्यों नहीं भेज रहे हैं बताइए हमको? गुरुजी घर में बहुत काम रहा था, हम बताया तो आपको। अच्छा हाँ, और का ही बताएं गुरुजी, इतना काम रहा था कि हम परेशान हो जाते हैं। अच्छा हाँ, और पहली बात तो ये, क्या पहली दूसरी तीसरी की एक कक्षा है ये तो पास, ये कौन सा इंटर और बीए की कक्षा है? सब पास कर ले अंदर का। हाँ, पहली दूसरी तीसरी की कक्षा इंटर बीए की नहीं है। हाँ अच्छा, ये क्या कर रहे हो जरा ये बताओ। गुरुजी बुनियाद है, हाँ, इसको हम कूट रहे हैं। काहे कूट रहे हो? ताकि हमारा घर मजबूत बने। घर मजबूत बने? हाँ, और अपने बच्चे की बुनियाद का क्या है? घर की मजबूत तो तुमने न्यू मजबूत कर दी तुमने बुनियाद कूट के, लेकिन अपने बच्चे की बुनियाद क्यों कमजोर कर रहे हो? अरे पहले दूसरी तीसरी की पढ़ाई बच्चों के लिए बुनियादी पढ़ाई होती है, अगर बुनियाद कमजोर हो गई तो बच्चा आगे फ्यूचर में कुछ कर नहीं पाएगा, अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए ये पहली दूसरी तीसरी की पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। हैं भाई, हमारी शिक्षा को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सरकार इतने कार्यक्रम चला रही है, शारदा समर, और तो और शिक्षा ऐप का भी प्रयोग कर सकते हैं बच्चे, अपने मोबाइल में घर रहते पढ़ सकते हैं। और शारदा और सामर्थ के जरिए तो जो लोग स्कूल नहीं जा सकते हैं या दिव्यांग लोग हैं वो भी, उनके लिए विशेष तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं शिक्षा की। इतना कुछ सरकार कर रही है, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग फिर भी काम है घर में, पहली दूसरी तीसरी की पढ़ाई है, मोबाइल में पढ़ सकते हैं। और क्या, अरे बच्चे मोबाइल में कहाँ पढ़ते हैं, वो तो दिन भर खेलते रहते हैं, उमा पता नहीं कौन कौन से गेम खेला करते हैं, पबजी खेला करते हैं। भी तो गलती तुम्हारी है, उनको समझाओ कि ये पबजी वबजी छोड़ो, गेम जरूरी, पिक्चर जरूरी, कि उनका फ्यूचर जरूरी है, बताओ। गुरुजी कोई मानता नहीं हमारी बात, सब खेला करते हैं, उनको हमको क्या पता, हम तो उनको पढ़ने के लिए मोबाइल दे दिया करते हैं, वो बोलते हैं हम इसमें पता क्या करा करते हैं उसमें। उनको अपने सामने बैठा लो और उसमें पढ़ो। जी ये हमने सुना है ये कुछ निपुण भारत करके कुछ आया है। हाँ, निपुण भारत मिशन। हाँ हाँ हाँ, बताए निपुण भारत मिशन क्या? नहीं नहीं जी, बता दीजिए। हमने अभी बताया था, कान बंद करके बैठे रहते, फिर से सुनो। अगर आपका बच्चा कक्षा एक में है, आपका बच्चा कौन सा कक्षा एक में? एक में? हाँ तो सुनो, तुम्हारे लिए ही है। अगर आपका बच्चा कक्षा एक में है और वो 5 शब्दों वाले वाक्य को आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है, हाँ, और अगर वो 1 अंकों वाली संख्या का जोड़ घटाना कर सकता है तो आपका बच्चा कक्षा एक में निपुण है। फिर अरे गजब, कक्षा एक में निपुण, गजब। और सुनो, तुम्हारा लड़का 2 में है ना? जी 2 में है ना? जी। हाँ, उसको कल से स्कूल भेजो। और सुनो, अगर तुम्हारा लड़का 45 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ सकता है, समझ सकता है, और 2 अंकों वाली संख्या का जोड़ घटाना कर सकता है तो तुम्हारा बच्चा भी कक्षा 2 में निपुण है। अच्छा गुरु जी। हाँ, और हमारा लड़का है कक्षा 3 में, हमारा लड़का है कक्षा 3 में, और अगर वो भी 60
शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ सकता है, समझ सकता है, और तो और जोड़ घटाना कर सकता है तीन अंकों वाली संख्या का, और 10 तक गुणा कर सकता है, तो हमारा बच्चा भी कक्षा 3 में निपुण है। अच्छा, अब समझ में आया कि निपुण भारत मिशन क्या है? गुरुजी हमको तो नहीं पता, लेकिन नहीं पता ना, बता दिया है। अब सुनो, हमने बता दिया, कल से लड़के को स्कूल भेजो कायदे में, समझ में आया? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा गुरुजी। और एक बात ध्यान रखना जी, पूरी ड्रेस, कपड़ा, मोजा, जूता, कॉपी किताब, पेंसिल, बस्ता, एक भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है? ड्रेस, जूता, मोजा, कॉपी किताबें, बस्ता, आप कहाँ से लाई पे? सब तो पैसा हम खर्चा करिए, आप कहाँ से लाई पे? राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अरे गोकर्ण भाई, काय परेशान हो गए? अरे भैया परेशान ना, क्या करें हम? क्या हो गया? अरे भैया, तो सरकार तरफ से 1200 रुपए मिले रहा है ना, हाँ, वो हम खर्चा कर दिए। उमा हम साड़ी ले आए, चप्पल ले आए, और चश्मा ले आए। राधे राधे, राम रंगा मारब जाके, लेके बढ़िया घुमाए जाके, बढ़िया नई नई साड़ी पहना है। लेकिन इसलिए बोलते हैं, जो सरकार जिसके लिए पैसा दे उसका सही प्रयोग करिए। चलिए अब आप परेशान होइए, राधे राधे हम है ना, ये लो तो, ए, ये लो 2000 रुपए, और 2 महीने बाद 3000 दे देना। राधे 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 राधे। अरे सेठ जी, आप पुरुष नहीं हो, महापुरुष हो। राधे राधे, अरे रुक कर सही, ये लो दस्तखत करो, एक मिनट, एक महीने बाद 5000 रुपए वापस करना है। क्या? राधे राधे राधे, अरे सेठ जी कहाँ भाग रहे हो? राधे राधे, अभी अरे राधे राधे, पकड़, अरे पकड़, कोई बात नहीं, वो मैं उन्हें कह रहा हूँ। वो तो मेरे बेटा रोज स्कूल जाता है, उसकी वजह से उसने सही सही पढ़ा है, और तुम्हें इस मुसीबत से बचा लिया। सही कहा था लज्जो, वरना आज तो हम कब परेशानी कर डलती, और हम कहाँ तक कुर चुकाई। बस ये कहती हूँ, रामू को रोज स्कूल भेजा करो, तो अब से रोज स्कूल भेजोगे ना? हाँ लज्जो, हम तो स्कूल भेजब, लेकिन का ये सब लोग स्कूल भेजिए अपने बच्चन के लिए? अरे ये भी तो भेज दे भाई, सब भेजिए, समझे हो? ये जितने लोग हैं सब अपने बच्चन स्कूल भेजेंगे, और तुम्हारी है कुछ खबरी? जी गुरु जी, मैं बताऊं, बच्चे का निपुण छात्र के रूप में चयन किया गया है। हाँ? हाँ, कल उसको स्कूल में सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, हाँ, उसको अपने माता पिता के साथ कल स्कूल आना है, तो भैया तुम तीनों लोग कल 10 बजे स्कूल पहुंच जाओ, लेकिन एक बार याद रखो, बच्चे का फुल यूनिफॉर्म, कपड़ा, मोजा, जूता, चप्पल, जितना जो कुछ है सब लेके आना, चप्पल पहना के लाना आना, जूता पहना के लाना, समझ में आया? हाँ गुरु जी, आओ कल 10 बजे स्कूल आओ। जी गुरु जी। सुनो, वो तो भला हो दुकानदार का, जो उसने साड़ी बदल कर रामू की यूनिफॉर्म, जूता, मोजा और कॉपी दे दी। सही कहा था लज्जो, और तुम्हें भी कसम है, बच्चों की पढ़ाई के पैसों को हाथ नहीं लगाओगे, समझे? अभी हाथ नहीं लगाएंगे हम, भूल से भी नहीं लगाएंगे। अरे सुनो रे, सुनो 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 रे, सुनो।